नाजरीन, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है पहला रमजान, पहला रोजा, सॉरी सॉरी। तो आज मैं सैफ से पूछने वाला उसका रोजा कैसे होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफुर रहमान है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सैफ? फोर। मैंने तो सुना आप हेल्प भी करते हैं। अभी बस अभी नहीं कर रहा। कितने पारे यूज किए थे आपने? पांच कच्चे पक्के। आप तो कह रहे थे आपने हिफ्ज नहीं किया। मैंने कच्चे पक्के किए थे। मैं फाइव क्लास की बात करूँ ना। तो आप मुझे बताएं, आप सहरी के टाइम कितने बजे उठे? मैं पूरे 2 बजे। देखिए कितना माशाल्लाह, कितना हसी खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। सहरी के टाइम 2 बजे उठा था। भाईजान अगर आपको पता हो तो सहरी पहली होती है 3:30 बजे शुरू होती है। आप 2 बजे उठ के क्या कर रहे थे? हम 2 बजे उठ के थोड़ी देर कुरान पढ़ा और फिर बाद में फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर सहरी की। सहरी में आपने क्या खाया? मैंने खाया है मलाई चीनी और फ्राई एग। माशाल्लाह। तो अभी मैंने आपसे पूछना था, मैंने इनसे क्या पूछना, तो आपके पूरे दिन में आपको कोई मसला हुआ रोजा रखते हुए? बहुत। क्या हुआ मसला? ट्यूशन जाने में मुझे बहुत मसला हुआ। देखिए ट्यूशन भी जाते हैं और रोजा भी रखते हैं, वो दूर सात कुल सिस्टम के पास है। जैसे ये आपको पता हो कि नाजरीन, सात कुल सिस्टम वाली गली बहुत ही गंदी है और वहाँ पे हर वक्त कूड़ा पड़ा होता है, हर वक्त नालियों की बदबू आती रहती है और सामने नाली बहती रहती है। मैंने बताया तो सही, नाली की बदबू। अच्छा कैमरामैन पीछे बैठ के हंस रहे हैं, कैमरामैन फोकस करें। लेकिन फोकस कैमरामैन फोकस। अच्छा तो ये जो आपका माइक है ये मुझे ब्रश क्यों नजर आ रहा है? वो हमारे पास माइक के पैसे नहीं थे क्योंकि हम फेमस यूट्यूबर नहीं है। तो एनीवेज आगे शुरू करते हैं। आपको शहर, आपको इफ्तारी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसे। और चिप्स। और पकोड़े। और चना चाट। और फ्रूट चाट। और डांस करना। नहीं ये सवाल तो मैंने बाद में पूछ लेने। मुझे आप बताएं कि आप तरावियां पढ़ने आएंगे? I don't know। तारी में तो आपने सब कुछ बता दिया, यानी आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है। आप ने अपने पूरे दिन नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर आपको क्या नहीं अच्छा लगता? मुझे सच्ची में फ्रूट चाट पसंद नहीं है, खजूर पसंद नहीं है, खास करके पापड़। तो गाइज मैं आपको सच बताऊँ तो ये एक चीज़ भी नहीं छोड़ता, छोटा कहीं का। देखिए गज ने मैं तो नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे बहुत अच्छा। में बोला बंद करेगा जो माइक के पैसे आपके पापा जी आगे देंगे। वहाँ पे ना जा वरना फसल दूंगा। चींटी सी है हमका मसले की बेटा, आदमी जितना मेरा वजन है एक हाथ मारूंगा ना 2 दिन तक नींद नहीं आएगी। मैं आपसे पूछूंगा कि मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा जो जो इसने मेरे से पूछे हैं। आप अफ्तार, आप अगर आपका रोजा हो आप अफ्तारी में कितना खाना खाते हैं? मैं अंबानी पे तो नहीं जाते। क्या अंबानी पे तो नहीं जाते जाते? नहीं बस इतना समझ लो जितना आप 6 लोग खाते हो उतना मैं एक अकेला खा ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिल जाते खा ले तो। मतलब क्या आप भागते हैं? कोई शक नहीं, मतलब वो आपको कूड़ा मिला आप खा जाएंगे? अब मैं आपकी तरह कुत्ता तो नहीं। अगर आपका रोजा हो आप स्कूल जाएंगे? स्कूल में क्या करते हैं? स्कूल में जाऊंगा लेकिन विल नहीं मारूंगा। स्कूल में तो हम विल नहीं मारते क्योंकि हमारे पेपर हो गए हैं। स्कूल में अभी हमारे पेपर हो गए, हमें छुट्टियां हैं, तो स्कूल में जाके हम झाड़ू पोछा तो नहीं मारेंगे। बाकी सर के कंप्यूटर वम्प्यूटर में बम लगा के भाग जाएंगे और खिड़कियाँ विड़कियाँ तोड़ के भाग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपके पीछे टैंक, अगर अगर आप अगर आपके अगर रमजान हो और आपके सामने एक टैंक खड़ा हो और सामने बहुत सारे निशाने पड़े हो आप क्या करेंगे? मैं खाना खाऊंगा। खाना होएगा ही नहीं फिर भी मैं खाना खाऊंगा, मतलब आप भूखे हैं?
देखो खाना खाने वाले को तो भूखे नहीं कह सकते, आप भी खाना खाते हो, हम भी खाना खाते हैं, और आप लोग भी खाना खाते पूरी हैं। दुनिया नहीं खाते तो आप पूरी दुनिया को भूखा नहीं कह सकते, वरना कैसा। पूरी दुनिया आपको ऐसे करेगी और और मैं आप आपको खाते बोला आज कैसा गुजरा, पूरे दिन आपने क्या किया मुझे मेरा रोजा तो ठीक ठाक ही गुजरा और अल्लाह का शुक्र है, नेट नहीं गया वरना मैं लोगों को स्ट्रीक इस्टा भेजता। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सहरी लैन, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इफ्तारी लैन, ये शुक्र है नेट नहीं गया और मैं बिजली वालों को नई लाइट भी नहीं गई। आज मुझे बड़ा मजा आया, मैं पूरा दिन मोबाइल देखता रहा और वही मारता रहा, मैं घर बैठा रहा। और एक शर्म नहीं आती रमजान में बंदे अल्लाह का जिक्र करते हो और आप क्या तो बैग में ठूसते रहते हो। फजर के टाइम कुरान पढ़ने आपके पापा जाते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ खुद। मैंने बोला बाप पे मत जाए करो, कितनी दफा बोला मैंने तुझे। गाइज आज के मेरे ब्लॉग के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है फर्स्ट सारी दिन फर्स्ट इफ्तारी दिन। आज के मेरे ब्लॉग के लिए बस इतना ही, प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक।